गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे सेफ होंगे इंटरव्यू चैप्टर ऑफ नाइन क्लास द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्नेक एंड द मिरर स्नेक एंड मिरर की स्टोरी है आज हम इसको हिंदी में डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू रीड इंटर ऑफ द चैप्टर में क्या दिया हुआ है वो रीड करेंगे Students before you read, do you like to see uh, do you like to look at your in the mirror? What do you think at about access time? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? What do you think they think it sees? And now read the, this humorous story about a doctor, a snake and the mirror. Students, is me अपने आप को मिरर में देखना कि आपको पसंद है आप लाइक करते हो अपने आप को देखना यस yes. मिरर में अपने आप को देखना सबको पसंद होता है कुछ टाइम में आप क्या सोचें वट ड यू थिंक आपको क्या आपने कभी एक डॉग कैट बर्ड को मिरर देखते हुए देख देखा है कि वो मिरर देख रहे हैं क्या देखते हैं वो अपने आप को देखते हैं या कुछ और चलो एक स्टोरी को रीड करते हैं ही स्टोरी है एक डॉक्टर के एक स्नेक के एंड मिरर मिरर की ओके इसमें एक डॉक्टर होता है जो मिरर की वजह से स्नेक से बच जाता है या देखो एनी पार्ट ऑफ दॉडी एंड फुलड इड कोल्ड होता है लिपट जाना क्या आप क्या, क्या ऐसा हुआ है कि एक स्नेक पूरा आपके बॉडी बॉडी पर कोल्ड हो जाता है ठीक है अपने आप को आप आपको पूरा जकड़ लेता है और नहीं? हम हाँ, हम क्या पूरा साइलेंट हो जाते हैं ऑन ऑफ अस फर्स फर्स्ट फर्स साउथ साइलेंट क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ एक डॉक्टर है होम्योपैथिक डॉक्टर है और जो टॉपिक है कहाँ से आया है जब हम डिस्कशन कर रहे हैं किसकी डिस्कशन कर रहे हैं स्नेक की ठीक है और वो स्नेक की स्टोरी सुना रहे हैं कि वो इंसीडेंट बता रहे हैं कि वो एक, एक बार उनक, उनको स्नैक कोल्ड कर लेता है ठीक है पूरा राउंड निपट जाता है उनके आम पे तो पूरा इंसिडेंट बताता है अपना डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल टेल मीन्स स्टोरिंग कंटिन्यू करती है एक बार क्या था कि बहुत ज़्यादा गर्मी का गर्मी की रात थी समर हॉट हॉट समर नाइट बहुत ज़्यादा गर्मी थी रात के दस बजे हुए दस बजे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो डॉक्टर हैं उनको नींद नहीं आ रही थी और वो क्या करते हैं अपना जो मील है रात का डिनर करके रेस्टोरेंट से आ रहे थे वापस अपने रूम में आ जाते हैं और कुछ नोइज़ सुनते हैं वो नोइज सुनते हैं ऊपर से नोइज़ आ रहा होता है बार बार तो उनको सुनाई देता है बट वो तो क्या कर देते इग्नोर कर देते हैं उन्होंने डोर ओपन किया फिर वो क्या गए बाहर चले गए उन उनको लगा ये जो है साउंड बाहर से आ रहा होगा बिकॉज उसके रूम में एक स्मॉल रूम है और उनको बहुत ज़्यादा और उसके रूम में बहुत ज़्यादा के थे क्या थे रेट्स थे बहुत ज़्यादा माउस थे तो उन्होंने सोचा उन्होंने सोचा कि ये रेड ही, ही हैं जो आवाज़ कर रहे हैं बार बार इग्नोर कर रहे थे और क्या है फिर जो रेड्स एंड शेयर द रूम ओके कि रेड्स के साथ उन्होंने रूम शेयर किया हुआ है बहुत ज़्यादा रेड थे वहाँ पे एक लैंप था इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी सिस्टम नहीं था कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे उनके पास एक लैंप था कैरोसिन लैंप था जो टेबल के ऊपर रखा हुआ था वो लैंप लाइट करती है ही लिट्स द लैंप लि ठीक है वो लैंप हैं वो टेबल के ऊपर रख देती है उसके बाद होता क्या है द हाउस वॉस नॉट इलेक्ट्रिक मीन लाइट नहीं थी इलेक्ट्रीफाइड वहाँ पे अच्छी तरीके से लाइट नहीं थी रूम बताया हुआ है रेंटेड रूम था छोटा सा रेंटेड रूम था और वो क्या है वो अपने वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे मेडिकल प्रैक्टिस करते थे न्यू न्यू डॉक्टर बने थे और uh, उनकी अर्निंग भी ठीक ही थी ओके और uh, अपने पास मनी बताते हैं उनके पास अबाउट सिक्सटी रुपीज़ इन माई सूट के सिक्सटी रुपीज़ थे और उनके पास क्या था उन्होंने शर्ट और धोती पहने हुए थे एंड अकेले रहते थे उस रूम में और जो वो पहनते थे ओके क्या पहनते थे ब्लैक कोट धोती और शर्ट पहनते थे और क्या है उन्होंने अपना ब्लैक कोट उतार दिया वाइट शर्ट उतार दी नो सो वाइट वेस्ट एंड हैंग वो भी उन्होंने हैंग अप कर दिया सब उतार के जो वेस्ट सी वा, वाइट रही थी येलो कलर की थी वेस्ट मीन जब हम इनर पहनते शर्ट के अंदर पहनते हैं वो वाली वेस्ट और क्या करते हैं विंडो ओपन कर देते हैं दो विंडो जो विंडो है रूम में वो विंडो ओपन कर देती है और बाहर चले जाते हैं फेस आ, फेसिंग द ओपन यार्ड ठीक है बाहर चले जाते हैं अब क्या करते हैं वापस फिर से अंदर आ जाते हैं वॉज देर वॉज नो सीलिंग और वो अपना जो हॉट पॉटेज है उसके बारे में बताते हैं जो रूम है सीलिंग नहीं थी ठीक है कलर वगैरह अच्छा नहीं था जो रेंट का रोड था वो बहुत ही बेकार था यहाँ यहाँ पे देखो रेगुलर ट्रैफिक बोला गया रेट्स वहाँ बहुत ज़्यादा रेट्स थे कभी इधर उधर बहुत ज़्यादा हॉच पौच कर रखते थे और बहुत ज़्यादा नोट नोइज आ रही थी वो सो भी नहीं पा रहे थे रेड्स की वजह से और क्या कहते हैं वरांडा में थोड़ी सी हवा आ रही थी बरांडा में जाके बैठ जाती हैं फिर से वापस अंदर जा आ जा जाती है थोड़ी देर बैठने के बाद वापस अंदर आ जाती हैं तो वो क्या करती हैं बॉक्स ओपन करते हैं टेबल के बॉक्स बनीड द टेबल ओपन करती हैं और उसमें से एक बुक निकालती हैं जिसका नेम क्या होता है मैट्रिया मैट्रिया मेडिका नेम की बुक है बिकॉज़ ये क्या रहे? है डॉक्टर है होम्योपैथिक तो उनके पास उस तरीके की बुक्स भी हैं स्टडी करते हैं ये और उन्होंने बुक को खोला और रेड करना स्टार्ट कर दिया टेबल के ऊपर जो लैंप रखा था वो वही रखा है और एक लार्ज मिरर रखा है टेबल के ऊपर क्या रखा है मिरर रखा और लार्ज मिरर एंड लैंप रखा है स्मॉल कॉम ले और वो क्या कर रहे हैं कॉम छोटा सा कॉम्प है मिरर के पास छोटा सा कॉम भी रखा हुआ है अब क्या करते हैं रात को दस बज रहे हैं और ऑथर जो इसमें डॉक्टर हैं वो अपने आप को मिरर में देखने लग जाते हैं और सडनली उन्होंने फील क्या किया कि मैं क्या हूँ एक डॉक्टर हूँ और मुझे डॉक्टर के जैसे देखना चाहिए तो कल लुक ठीक है उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा ग्रेट एंडमायर अपनी बहुत तारीफ की मिरर देख के अपनी तारीफ करने लग जाती हैं और वो क्या है कि ओ, उनको बिलीव है कि ओ, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और अनमेरिड भी है बैचलर डॉक्टर हैं आई वो डॉक्टर मेरे एक डॉक्टर हो और मुझे डॉक्टर के जैसे अच्छे से स्मार्ट दिखना है दिखना चाहिए अब क्या करती है कौन करती है अपने हेयर को थ्रू हेयर एंड एडजस्ट पार्टिंग सो पार्टिंग मीनस जो पार्ट करते हैं ठीक है बालों बालों बालो को टू पार्ट में डिवाइड करती है उनको अच्छे से एडजस्ट करती है स्ट्रेट पूरा जो सीधा देखते हैं बालों को अच्छे से काम करते हैं ही फिर से ऊपर से एक साउंड आती है वो साउंड सुनते हैं उसके बाद क्या होता है फिर साउंड आती है फिर वो इग्नोर कर देती है साउंड को फिर क्या होता है इन द नेक्स्ट पैसेस आई अ क्लोज लुक एट माय फेस इन द मिरर हम लोग क्या करते हैं पूरा ध्यान से मिरर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं क्या करना है उन्होंने डेली से शेविंग करनी है और ग्रोथ उस चेज में से उन्होंने मूछे बढ़ानी हैं उनको और ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहिए और ज़्यादा हैंडसम दिखेंगे बिकॉज वो एक क्या है वो बैचलर भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं और अपनी अपनी एडमायर कर रहे हैं अपनी तारीफ कर रही हैं मिरर में देख के और मिरर में जब देखते हैं तो स्माइल भी करते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्माइल करते हैं मेड मेरा Uh, एक मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन एक अर्थ शेकिंग मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती हैं आई वुज की मुझे क्या रखनी चाहिए मुझे अपने फेस पे अट्रैक्टिस स्माइल रखनी है हमेशा और मोर हैंडसम और ज़्यादा हैंडसम दिखना है उसके बाद क्या है वे एक्ट्रोल वो क्या है एक बैचलर भी है और एक डॉक्टर भी है ओके okay? दो रेजन है एंड अब क्या होता है वो जब उठा अपने प्लेस से उठा आई गॉट अप उठा प्ले प्लेस अप एंड डाउन द रोम रूम में चला गया अनदर लेन लवली स्टक मी और अनदर लवली जो थाट है एक उनके दिमाग में आता है वो क्या था आई वुड मैरी उन्होंने क्या करनी है मैरी करनी है मैरिज करनी है वो मैरिज कैसे वमेन करेंगे कि अगर मुझे मैरिज करनी है तो मैं एक वो वुमेन डॉक्टर होनी चाहिए और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए गुड नॉलेज होनी चाहिए मेडिकल प्रैक्टिस ओके नॉलेज होनी चाहिए एक ऐसी लड़की से क्या मैं क्या करूँगा मैरिज करूँगा शी हैड बी मतलब फैट होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए फैट देखो क्या ड्रीम होता है कि जो ब्यूटी हो ब्यूटी ब्यूटीफुल होने चाहिए और स्लिम होनी चाहिए बट यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि मैं फैट वुमेन से मैरिज करूँगा फॉर अ वैलिड रीज़न और इसका वो वैलिड रीज़न भी देते हैं वैलिड रीजन क्या देते हैं फाइव सम सिली मिस्टेक्स एंड शुड नोट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी मीन्स अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करूँ अगर सिली मिस्टेक्स करूँ तो वो मुझे क्या करे मारने के लिए मेरे पीछे भागे वो मुझे पकड़ ना पाए ओके okay? मैं उसके हाथ ना आऊँ तो अब क्या होता है इन थॉट्स जब ये थाट उसके माइंड में चल रहे हैं और वो अपनी अज्यूम कर रहे हैं उनको फ़ील हुआ चेयर के पीछे से फ्रंट ऑफ द टेबल टेबल के सामने से चेयर पे जैसे उनको कुछ फ़ील हो रहा है क्या फील हो रहा है देर वो लौंग और साउ अब ऊपर से कोई साउंड ही नहीं, नहीं आ रही थी बिकॉज बार बार साउंड आ रही वो इग्नोर करना करते जा रहा था अब जब साउंड नहीं आ रहे थे सडनली क्या हुआ देर के इमर डल थड एक थर्ड एक साउंड होता है डल बहुत जोर से एक साउंड आता है रबर रबर ट्यूब गिरती है ऊपर से बहुत ज्यादा साउंड आता है तो जो रबर ट्यूब थी वो नीचे गिर जाती है ग्राउंड पे बहुत ज्यादा साउंड आता है फिर श्योरली वो कहते हैं नथिंग टू ब्रेक अबाउट इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉल्स है उनकी वजह से ऐसा हो रहा है एवन सो आई गुड थाट और वो क्या सोच रहा है कि अगर वो सोच पाता है इतने में इतने का लुक उसने लुक फैक्ट स्नैक रिगल्ड ओवर बैक ऑफ द चेयर एंड इतने में वो उठ पाते कोई और कहीं देख पाते एक ब्लैक कलर का स्नैक बहुत ज़्यादा रिगल्ड होता है ऐसे ही ऐसे ऐसे चलकर उसके चेयर के पीछे से उसके शोल्डर पे आके बैठ जाता है ओके स्नैक स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड टर्निंग वर से कोई ऐसे नेचुरल हो रहा हो वो चेयर के पीछे से रिगल करके शोल्डर पे बैठ जाता है और वो जंप भी नहीं कर पाता ट्रैम्बलिंग भी नहीं कर सकता था क्राई भी नहीं कर सकता था ना वो रो सका ना वो उसने जंप किया ना ट्रैम्बल किया ना वो रोया उसके बाद क्या होता अगर कुछ भी करता तो स्नेक स्टिंग कर सकता था उसको ओके और उसके बाद उसके पास कोई टाइम नहीं था कुछ सोचने का कुछ करने का बिकॉज जो स्नेक है उसने पूरा जो शोल्डर है उसका कोल्ड कर लिया था और बहुत ही जो शोल कोल्ड हो गया था उसका शोल्डर और बिनो अब एल्बो एल्वो के ऊपर ओके एल्वो से ऊपर शोल्डर का जो पार्ट होता है हमारा पूरा कोल्ड कर लिया था उसकी आम को और जो हुड था उसका जैसे ऐसे हुड हुड होता है स्नेक का ये वाला पार्ट स्प्रेड हो गया था पूरा उसने फैला के रखा हुआ था कभी भी वो स्टिंग कर सकता था और उसका जो बता रहा है वो पूरा उसको देख रहा है कि उसका जो हेड था हेड वो हार्डली थ्री फोर इंचज इतना बड़ा था बिकॉज कोबरा सबसे लार्जेस्ट स्नेक है और वो क्या है क्रेक्ट इट इट वुड नोट बी कुरेक्ट से कहना सिर्फ सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि वो अपनी सांस रोक के बैठा था मतलब वो क्या बन के बैठा था ये वो स्टोन बन गया था वो स्टोन में टर्न हो गया था पूरा एक पत्थर बन के बैठा था वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिर्फ उसका माइंड एक्टिव था बाकी वो ना ट्रैमल कर रहा था भी नहीं हो रहा था एंड उसके बाद क्या होता है पूरे रूम में डार्कनेस था और सिर्फ लैंट न, जो लैंप है वो लाइट हो रहा था चल रहा था नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है स्टोन के जैसे बैठा था वो अपने आप पे अपने आप को स्टोन बना लिया था उसने और उसने ग्रेट प्रेजेंस फील की क्रीचर की दुनिया का सबसे बड़ा क्रीचर उसकी शोल्डर पे बैठा है और गॉड को प्रे कर रहा है कि कुछ करो इस कोई हेल्प के लिए भेजो वो बस प्रे कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था इमेजिनेशन कर रहा था एंड उसके बाद क्या होता है ग्रेट पे उसकी आम में ना उसको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था पूरा उसकी जैसे उसको जकट लिया था उस जैसे उस स्नेक उसको रो, रोड के जैसे लग था एक रोड है मेल्टन फायर रोड है एक रोड के जैसे लग रहा था स्नेक और आम में ड्रेन आउट ड्रेन आउट मीन्स उसकी जो पूरी पावर थी आम की पूरी जो स्ट्रेंथ थी वो पूरी जा चुकी थी काफ़ी टाइम तक वो उनको ऐसे ही बैठना पड़ा और उसके बाद क्या होता है जो स्नै था वो मोमेंट कर रहा था उसकी तरफ और वो आ, सिर्फ फोर इंचेस उसकी फेस से जस्ट फ़ोर इंचेस दूर था और वो सोच रहा है अगर ये मुझे स्टिंग कर ले अगर ये मुझे बाइट कर ले तो मैं क्या करूँगा बिकॉज़ उसके पास कोई भी मेडिसिन नहीं थे क्या कौन सी मेडिसिन में लूँगा कोई भी मेडिसिन उसके रूम में नहीं थी वो बहुत पुअर हो रहा था आई okay, आ, वो बट अ पुअर फुलिश स्टूपिड डॉक्टर ओके वो भूल चुका था कि अगर मैं किसी डेंजर में हूँ तो मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँगा वो बात उसने सोची ही नहीं थी अब उसको फील हो रहा है जो थोड़े टाइम पहले मिरर में देख के अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम समझ रहा था अब वो अब वो अपने आप को क्या समझ रहा है फूलि फोलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर समझ रहा है उसके पास कोई भी मेडिसिन नहीं थी अपने आप को बचाने के लिए उसके बाद क्या होता है कि जो स्नेक ने अपना हड्डी जो टर्न कर लिया ओके और मिरर के मिरर में देखने लग गया अपने आप को रिफ्लेक्शन देख रहा है स्नेक का या तो उसको ये लग रहा होगा दर स्नेक है मिरर में या वो मिरर देख रहा होगा डो नॉट क्लेम क्लेम नहीं कर सकते क्लेम नहीं कर दो, आई डोंट क्लेम इट वॉज द फर्स्ट स्नैक मतलब वो सोच रहा है कि ये पहला स्नैक है जो अपने आप को किसमें देख रहा है मिरर में देख रहा है, है बट वो इट वॉज इट वॉज सर्टन दैट द स्नैक वज लोकिंग इन टू द मिरर स ये रेयर होता है क्या कि, कि जो स्नै मिररर देखती हैं क्या वो अपनी आपनी तारीफ कर रहा है क्या अपनी ब्यूटी की तारीफ कर रहा है स्नैक क्या है uh, मिरर देखने लग गया है टेबल पर आ गया है और क्या सोच रहा है क्या वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा है ग्रोइंग मुस्टेश मुस्टेक मुझे बढ़ाने की सोच रहा है आई शेड्यूल लगाने की सोच रहा है मस्कारा लगाने की सोच रहा है या फिर वर्ल्ड मिल स्पोर्ट क्या होता है एक बिंदी होती है फोर हेड पे बिंदी लगाने के लिए सोच रहा है तो ये क्वेश्चन ऑथर के माइंड में आ रहे हैं डॉक्टर के माइंड में आ रहे हैं तो मुझे नहीं सोचा कुछ चीज़ें कि इवन कि मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेल है या फीमेल स्नेक है और नेवर नो में कभी नहीं जान पाऊँगा स्नेक अनबाउंड कर दिया उसने स्लोनी ही उसको उसकी जो आम थी उसने अनबाउंड कर दी ओके okay? और टेबल पे मूव हो गया मिरर देख मिरर के सामने बैठ गया इस तरीके से इस तरीके से वे अपने आप को मिरर में देख रहा है यस नेक्स्ट आई विल नेवर नो उसके बाद होता गया है पर है इट वॉन्टेड टू एंजॉय रिफ्लैक्शन एट क्लोज वट मीन्स ये इंजॉय कर रहे हैं अपने आप के रिफ्लैक्शन को और आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेंटी आई वॉज सडनली अ मैन फ्लैशन बट एंड स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर एंड क्विकली वेंट आउट द्रू द डोर इन टू द वडाज फ्रोम देअ आई लेप लिप्ट इन टू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वर्स वर्थ मीन्स क्या होता है फिर अपनी साँस से रोब के रखता है उसके बाद क्या होता है चेयर से उठता है और ब्रांडा में जाता है यार्ड में जाता है ठीक है विंडो से जा कर जंप करके फिर वो यार्ड में जंप करता है फिर इतनी ज़ोर से पूरी वर्थ पूरी अपनी पावर लगा के ज़ोर से भागता ही रहता है मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डर जाते हैं तो हम बहुत जोर से भागते हैं इवन कि हमें डायरेक्शन भी नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है इस टाइम पे डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है जिसको ये स्टोरी इस रिलैक्स का साउंड होता है, है साइट ऑफ रिलीफ मीन हमें साइट ऑफ रिलीफ उनको रिलीफ मिला फाइनली वो बच गए संबड़ी किसी ने उसे पूछा डॉक्टर इज़ दिन वाइफ फैट वेरी फैट क्या आपकी डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट क्या आपकी जो वाइफ है आपने सोचा था आपने कहा था कि मैं मैरिज करूँगा तो फैट हूँ वोमन से ही करूँगा क्या फैट है आप डॉक्टर कहते हैं नो जो वाइफ है वो फैट नहीं है वो क्या है माई कंपेनियन यू थिन है रेडी पर्सन है गिफ्ट ऑफ अ प्रिंटर की गिफ्ट है और सम्बन्ध एंड सास को पे उससे पूछा दे वो स्टोरी के बाद हमारे माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं अब वो ऐसे ही उनसे क्वेश्चन पुट हो रहे हैं वैन यू रैन डिट द फॉलो यू अब क्या जब आप भाग रहे थे क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया था तो डॉक्टर रिप्लाई करते हैं आई रैन एंड रैन टिल रीच आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस अभी मैं भागता गया भागता गया जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर पे नहीं पहुंच गया तब तक मैं भागता ही रहा इमिडेटली आई स्मिर ऑयल और उसने अप्लाई किया पूरे बॉडी पे ऑयल uh, लगाया देखो कितनी देर तक उसके जो स्नेक था शोल्डर पे कोईल्ड हो रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग एलर्जी हो रही थी तो उसने हम एलर्जी ना हो तब तो भी हम क्या करते हैं अपने आप को वॉश करते हैं तो उसने ऑयल लगाया पूरी बॉडी पे और बात किया तो का बात चेंज न्यू फ्रेश क्लॉथ पहने फ्रेश क्लॉथ नेक्स्ट मॉर्निंग अबाउट एट थर्टी एट थर्टी पर जब वो अपने फ्रेंड आई टुक माई फ्रेंड फ्रेंड okay, की बक् को लेकर वो, वो उसी रूम में दोबारा चली जाती हैं जहाँ पे वो रहते थे वन और टू अदर टू माई रूम्स मूव सो थिंग्स फ्रॉम देर बट वी अ लेटला और थीफ मीन्स देखो सब आप जब वो अपने घर से भाग गया था तो पीछे से क्या हो गया था जो रूम था खुला था उसमें एक थीफ आया और थीफ सारी चीज़ें ले जाता है इवन कि कुछ भी नहीं छोड़ता तो वो छोड़ के क्या जाता है देखते हैं थीप हैड रिमो मोस्ट ऑफ थिंग सब चीज़ ले गया था वो रूम हैड बिन क्लिन आउट इस पूरे तरीके से सफाई की हुई थी रूम की बट नोट रेलिंग द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज द फाइनल इंसल्ट फाइनल इंसल्ट मतलब जो वो चीज़ छोड़ के गया था उसमें डॉक्टर की इंसल्ट थी वो क्या छोड़ के गया था वेस्ट जो हमने पहले पढ़ी थी कि बहुत ज़्यादा गंदी थी और डॉक्टर सेड माय वेस्ट डी वन जो कि बहुत ज़्यादा गंदी थी सिर्फ वो ही नहीं लेकर गया बाकी पूरे रूम की सफाई कर गया था जो थीप था एंड कुछ uh, जो सच वैलो है तो सच cleaners, uh, uh, deconate, means, uh, इसको भी ले जाता वॉश करके यूज़ कर लेता सोफ एंड वाटर उसको बोल रहे हैं कि इसको भी ले जाता इसको अच्छे से धोके यूज़ कर लेता आप पूछ यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर डॉक्टर से पूछा जाता है कि आपने स्नेक को नेक्स्ट डेज देखा था तो वो डॉक्टर के हंसने लग जाता है नेवर सीन मैंने उसके बाद वो स्नेक कभी नहीं देखा वो पहला स्नेक था जो अपनी ब्यूटी को ब्यूटी देखने आया था ब्यूटी को एडमायर कर रहा था इट वॉज स्नैक विच टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी जो अपनी ब्यूटी के में बिजी हो गया था मिरर देखने लग गया था वो मिरर की वजह से ऑथर क्या हो जाते हैं बच जाते हैं अगर स्टूडेंट्स ने ये थी आपकी स्टोरी फिफ्थ चैप्टर था आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा एंड थैंक्स टू ऑल लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़